वाराणसी में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा के विकराल रूप के कारण घाट पहले ही जलमग्न हो गए थे और अब घाट का पानी, गंगा का पानी गलियों तक भी आ पहुंचा है। ये हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अस्सी घाट जाने वाला मार्ग था और इस मार्ग पे ये जो गली थी, ये गली यहाँ पे कभी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लेकिन आज इस गलियों में नाव चल रहा है और आप दूर तक देख सकते हैं ये जो पूरा 100 मीटर की ये गली है वहाँ पे पूरी तरीके से पानी गंगा का प्रवेश कर चुका है। और अब जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके नीचे के जो फ्लोर है वहाँ पे भी करीब 3 से 4 फीट तक गंगा का पानी आ चुका है और अब लोग पहले फ्लोर को छोड़ के दूसरे फ्लोर पे रह रहे हैं। और जब उन्हें इस गलियों से अपने घर से बाहर निकलना हो रहा है तो उन्हें गलियों से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सिर्फ बनारस के ये 80 घाट ही नहीं बल्कि मणिकर्णिका घाट की बात करें तो मणिकर्णिका घाट पे सौदाह करने वाले यात्री भी जब शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंच रहे हैं तो उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ रहा है गलियों में, ताकि वो मणिकर्णिका घाट के छतों तक पहुंच सके और अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर सके। देखिए, बाढ़ का पानी माँ गंगा ने हम लोगों को घर से बेदखल कर दिया, ऐसा कहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम लोग नीचे घाट पर रहते थे, अभी आप देख सकते हैं कि गंगा जी रोड पे आ गई हैं और हम लोग भी रोड पे आ गए हैं। परसों से पितृपक्ष चालू होने वाला है, इसमें पूरे भारतवर्ष से यात्रीगण आते हैं अपने पितरों का कार्य करने के लिए और हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। कहाँ पे कैसे उन लोग का कर्म कराएंगे, इसी विषय में चिंतन मंथन कर रहे हैं हम लोग। पूरी बदहाली स्थिति हो चुकी है बाढ़ के कारण। घाट तो पूरे जलमग्न हो गए हैं, आप यहाँ से लेके नमो घाट तक पूरे के पूरे घाट गंगा जी में डूब चुके हैं और पानी निरंतर गंगा जी का बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार ये 2-3 दिन में पानी इतने तेजी के साथ बढ़ा, कोई अनुमान नहीं था कि पानी नीचे जा चुका था, अचानक से 2 दिन में पानी इतने भयावह रूप से ऊपर आ गया, जिससे डर की स्थिति बनी हुई है। तो तटीय इलाकों के लोग हैं, हम लोग हैं, सबके अंदर डर बना हुआ है। बात यदि वाराणसी में बाढ़ की करें तो बाढ़ से लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ चुके हैं। कई इलाकों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है। कई बाढ़ चौकियों को भी एक्टिव कर दिया गया है। कुल 43 से ज़्यादा बाढ़ चौकियाँ प्रशासन ने इस बार बनाई हैं, जिनमें से 11 बाढ़ चौकियाँ ऐसी हैं जहाँ लोग अब रहने भी लगे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सड़कों पर भी पानी है और लोग अब वहाँ से निकलने के लिए नाव का प्रयोग कर रहे हैं। वाराणसी में यदि वर्तमान में गंगा के जलस्तर की बात करें तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। अभिषेक जायसवाल, लोकल 18, वाराणसी।